हेलो एवरीवन, आज की वीडियो स्पेशली 9th क्लास के लिए है और इसमें हम डिस्कस करेंगे डायरी राइटिंग के लिए फॉर्मेट। डायरी राइटिंग जो है वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में आएगा, 5 मार्क्स का होगा और एक स्कोरिंग पोर्शन है और काफ़ी इजी होता है। तो आप लोग एक बार फॉर्मेट समझ लीजिए, उसके बाद आपके लिए एक एग्ज़ाम्पल भी दिया गया है अलग स्लाइड में, तो आप लोग ध्यान से देखें एग्ज़ाम्पल को। और उसके बाद जो है कोई भी टॉपिक आपको दिया जाता है, इस फॉर्मेट के हिसाब से आप अपनी डायरी राइटिंग सेट कर सकते हैं। डायरी राइटिंग पर्सनल डॉक्यूमेंट है, तो इसमें हेडिंग लिखना चाहते हैं या नहीं लिखना चाहते ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आप जो है सबसे ऊपर डेट लिखेंगे, उसके बाद डे मेंशन करेंगे जैसा कि फॉर्मेट में आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद टाइम मेंशन करेंगे, डे और डेट से अलग साइड पे होगा। उसके बाद जो है आप डायरी के लिए कोई भी सल्यूटेशन रखते हैं जैसे डियर डायरी, या नहीं रखते हैं ये भी ऑप्शनल है, आप सीधा अपनी डायरी राइटिंग भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो है वो डियर डायरी से शुरू करते हैं। उसके बाद बॉडी ऑफ द डायरी होगा जैसा कि दिखाया गया है, 100 से 120 वर्ड्स में आप लोग लिख सकते हैं। देन आप 4 या 5 सेंटेंसेस में अपना जो भी कंटेंट रखना चाहते हैं वो रखेंगे। और उसके बाद नेम और साइन भी आपके ऑप्शनल हैं, क्योंकि डायरी जो है पर्सनल डॉक्यूमेंट है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो है नीचे अपने साइन छोड़ें। तो ये था फॉर्मेट डायरी राइटिंग के लिए, काफ़ी आसान फॉर्मेट है। और डायरी राइटिंग जब आप लिखते हैं तो आपकी टोन जो है वो इनफॉर्मल होती है, पर्सनल होती है। अब जो है आप एक एग्ज़ाम्पल आपके लिए मैंने रखा है, मान लीजिए आप जो है यू आर स्नेह स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th एंड योर फादर हैज़ बिन ट्रांसफर्ड टू अनोदर सिटी रिजल्टिंग इन अ चेंज ऑफ स्कूल फॉर यू एंड यू हैव बिन अटेंडिंग योर न्यू स्कूल फॉर अ वीक नाउ, राइट अ डायरी एंट्री। यहाँ पर आपको वर्ड लिमिट दी जा सकती है 100 और 120 वर्ड्स तक या 50 से 60 वर्ड्स तक, वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। ऑन योर थॉट्स एंड फीलिंग्स अबाउट योर स्कूल एंड न्यू स्कूल। अब देख लीजिए आप लोग जो है इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है, सबसे ऊपर मेंशन किया गया है डेट, उसके बाद डे, देन टाइम, उसके बाद सैल्यूटेशन डियर डायरी, देन बॉडी ऑफ द लेटर है, यह आपकी खुद की जो लैंग्वेज होती है आप खुद से अपने हिसाब से ये लैंग्वेज सेट कर सकते हैं जितना वर्ड्स लिमिट दी जाती है। और उसके बाद नेम नीचे आप रखेंगे जो भी आपका ऊपर नाम दिया गया है, मान लीजिए यहाँ पर स्नेह दिया गया है तो स्नेह रखेंगे। और अगर आप नहीं भी रखना चाहते तो भी ये चीज़ें ऑप्शनल है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो स्टूडेंट्स आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे डायरी राइटिंग, और नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।